अमेरिका और रूस अंतरिक्ष के बिग बॉस हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अमेरिका और रूस के मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में राज करते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया के किसी भी कोने में नजर रखी जा सकती है। स्पेस में सबसे ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट अमेरिका और रूस के ही हैं। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट के पहले प्रोजेक्ट का नाम वेपन सिस्टम 117L था। इसके बाद कोरोना, कैनियन, एक्वाकेड, ओरियन, मैग्नम और ट्रम्पेट जैसे बड़े मिलिट्री सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। यूएस की नवीनतम सैटेलाइट प्रोजेक्ट वाइड बैंड ग्लोबल सैटकॉम WGS-9 है। यह अंतरिक्ष में युद्ध करने की क्षमता भी रखता है। इससे संपर्क करके मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर यह अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट को ध्वस्त भी कर सकती हैं। तो वहीं इसी तरह रूस ने सोवियत संघ के साथ मिलकर 1960 के दशक में ही अपनी मिलिट्री के लिए स्पेस में एक स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इनके पहले प्रोजेक्ट का नाम अल्माज था। साल 1973 से 1976 के बीच रूस ने अंतरिक्ष में सैल्यूट 2, 3 और 5 नाम से मिलिट्री के लिए खास स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिए थे। रूस की हालिया सैटेलाइट कस्मोस 2524 व अन्य इतनी ताकतवर हैं, यह देश को मिसाइल के द्वारा होने वाले हमलों के बारे में समय रहते सूचित कर देती हैं। क्या होती है मिलिट्री सैटेलाइट? पहला मिलिट्री सैटेलाइट कहाँ आया? जैसा कि मिलिट्री शब्द से पता चलता है कि यह सैटेलाइट किसी भी देश की सेना के लिए होती हैं। मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह होती हैं। किसी भी सैन्य मिशन में सबसे अहम भूमिका खुफिया जानकारी, नेविगेशन और सैन्य संचार का होता है। अब ये सभी काम सीधे सैटेलाइट के जरिए किए जाते हैं, पर लगातार ऐसा देखा जाता है कि दूसरे कामों के लिए भेजे गए सैटेलाइट सेना की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते थे। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने सेनाओं के लिए खास तौर पर सैटेलाइट भेजने का दौर चलाया। इसके अलावा सैटेलाइट का एक अहम इस्तेमाल खुफिया निगरानी के लिए किया जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर पड़ोसी व अन्य परस्पर देशों व जिनसे खतरा होता है उनके रक्षा उपकरणों व मिलिट्री कैंपों पर नजर लगाए रहते हैं। इसमें सबसे नए तरीके के सैटेलाइट पूर्व चेतावनी अर्ली वार्निंग देने वाले होते हैं। यह दुश्मन देश में युद्ध की तैयारियों की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। हालांकि अमेरिका इस मामले में 1960 से ही सक्रिय हो गया था। अमेरिका ने 1950 के दशक में ही अपने नेवी को नेविगेशन की सुविधा देने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में अभी तक 320 मिलिट्री सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। चीन ने भी इसी रास्ते को इख्तियार करते हुए यायोगन सीरीज के 30D, 30E और 30F को इतना ताकतवर बना दिया है कि यह दुश्मनों के ठिकानों की महीन जानकारियां भी जुटा लेती हैं।